पीर बाबा की जय।
सेवा को बढ़ाया और इससे पहले भी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पहले जब रणबीर सिंह निक्का जी हर वर्ष इस मेले में आते थे बतौर मुख्य अतिथि, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज मुख्य अतिथि के साथ इनके साथ एमएलए भी लग रहा है। इस बात पे आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि जोरदार ताड़ियों से इनका स्वागत करें, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जो कि काफी वर्षों से जहां आ रहे हैं आज एमएलए बनके जहां हमारे बीच पधारे हैं, तो इनका बड़पन है, क्योंकि जब एमएलए बन जाता आदमी तो उसके पास टाइम नहीं होता, बड़ी भागदौड़ होती है, लेकिन उन्होंने पूरा दिन निकाला। मैं दिल से इनका आभार प्रकट करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक रिक्वेस्ट मेरी सभी दर्शकों से रहेगी कि ये जो मेला हमारा 3 दिन का चला हुआ है,
ये तीन दिन का आप सभी लोगों के हमारे मुख्य अतिथि हैं, जहां आप दर्शक हैं, जहां हमारी कमेटी के मेंबर हैं, सभी लोगों के सहयोग से चला हुआ है। तो इसमें मैं आपसे ये कामना करता हूं कि आप भी इस मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, तो ये मेला जो है आने वाले समय में, ज्यादा तो नहीं बोल सकते, हमारी कोशिश रहेगी कि हिंदुस्तान के टॉप 1 मेलों में से एक हो। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी कमेटी है, कोई इसमें इतना मतलब समर्थ आदमी नहीं है, लेकिन मैं इनकी तहे दिल से आभार करता हूं कि मतलब जिसकी समर्था 100 या 200 रुपए की होती है, वो बोलता है ये मेरा 5,000 रख लो, मेरा क्या। मैं हैरान हो जाता हूं कि ये बंदा यार दिहाड़ी ला के परिवार को पाल रहा है और मेले के लिए जी अपनी जेब से 50-60-11,000, वो बहुत बड़ा 50 लाख से कम नहीं है। तो ये जो मेला हमारा 3 दिन का चला है, इसका एस्टिमेट जो है वो 50 लाख के करीब है। तो एक कमेटी ने ये निर्णय लिया था कि हम पहले स्कूटी रखते थे, तो इस बार हमने बुलेट मोटरसाइकिल, बच्चों की डिमांड थी, लड़कों की डिमांड थी कि बुलेट मोटरसाइकिल रखो। तो मेरा सभी समर्थ भाइयों से अनुरोध है, जिसके पास समर्था नहीं है उसके लिए नहीं है, जो समर्थ व्यक्ति हैं उनसे ये अनुरोध रहेगा कि आपके पास समर्था है तो इसकी 500 रुपया पर्ची हमने रखी है तो कटवा ले जो पैसे। हमारी कोशिश यही है कि मोटरसाइकिल रखा है, मैं सच बोलता हूँ, झूठ बोलने की आदत नहीं है, कि अगर 1.5-2 लाख का मोटरसाइकिल है, चलो 1 लाख रुपया ज्यादा हो जाए, हमारा ही कष्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई किसी को जरूरी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मुख्य अतिथियों का और सभी दूर दराज से आए लोगों का जहां स्वागत करता हूं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रधान जी, बहुत का टाइम बचा हुआ, 1 मिनट 7 सेकंड की कुश्ती हो चुकी है। उधर से ऑब्जेक्शन आया था, अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं जी ये गलत पॉइंट है, अगर उसका ऑब्जेक्शन पास हो जाता है तब तो दूसरे के पॉइंट कम हो जाएंगे, अदरवाइज। हेलो राणा जी, 2 मिनट के लिए। हेलो, कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबसे निवेदन है कृपया मंच पे आए। छिंद मेला कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं वे सभी मंच पे आए, क्योंकि मुख्य अतिथि उनके साथ आए हुए अन्य मेहमानों को सम्मानित किया जाएगा। मेरी बात सुन रहे हैं, सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कृपया मंच पे आकर आज के मुख्य अतिथि महोदय, उनके साथ आए हुए अन्य अतिथिगण को सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद। हेलो, अभी ये ऑब्जेक्शन प्रधान जी कुश्ती शुरू करवा दे। प्रधान जी कुश्ती शुरू करवा दे। हाँ जी शुरू करवा। एक मिनट रुको, अब इस लड़की का जो ऑब्जेक्शन आया था वो रिमूव हो चुका है, बिल्कुल जो रेफरी का डिसीजन सही पाया गया है। ऑब्जेक्शन करने के लिए इनको पेनल्टी का 1 पॉइंट ब्लू कोशिश को दिया जाता है। हेलो, बहुत बढ़िया डिसीजन। हेलो राणा जी, 2 मिनट के लिए। मैं सबसे पहले मिंटू भाजी आए हुए हमारे लोकप्रिय विधायक श्री रणवीर सिंह निक्का और आज के हमारे मुख्य अतिथि का अपनी कमेटी द्वारा सम्मानित कराना चाहूँगा। तो मैं अपने कमेटी के चेयरमैन श्री ठाकुर जरम सिंह से और अन्य कमेटी सदस्यों से अनुरोध है कि वो आके हमारे माननीय मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि आज के मुख्य अतिथि मोदी जी को एक इस दंगल की मधुर समृद्धियां एक स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान की जाए। ये समृद्धि चिन्ह मुख्य अतिथि महोदय जी को जरूर याद दिलाता रहेगा कि ये मधोली दंगल में इनको सम्मानित किया गया था। हेलो भाई जी, माइक छोड़ रहा है जी, वही माइक दी। उनके साथ हमारे जिला पार्षद भाई राहुल पठानिया जी, उनको भी हमारी कमेटी द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है। भाई कोचेस ध्यान दें, जो जो कोचेस पहलवानों को साथ लेकर आए हैं,
किसी भी कोच को कुश्ती चलते वक्त किसी भी पॉइंट का ऑब्जेक्शन हो तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। अगर ऑब्जेक्शन सही पाया गया गुड एंड वेल, अदरवाइज उसके अगेंस्ट दूसरे रेसलर्स को एक पॉइंट दिया जाएगा। धन्यवाद। हाँ जी, और हमारे उनके साथ आए हुए हमारे पुनीत महाजन जी, हमारे मुख्य अतिथि के साथ आए हुए पुनीत महाजन जी को भी कमेटी समिति जिन देकर सम्मानित करेगी, तो सभी से अनुरोध है कि वो मंच पर आए और उन्हें सम्मानित करें। दो पॉइंट हेल्थ डिस्ट्रिक्ट के पैर थे। बाहर 6-7 का स्कोर है जी, 6 रेड कस्टम के पहलवान के और 7 पॉइंट है ब्लू कस्टम के पहलवान के। 6-7 के साथ ये कुश्ती चल रही है, 6 पॉइंट रेड कस्टम और 7 पॉइंट हमारे नूरपुर से पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री लेखराज जी को भी समृद्धि दिन बहुत बढ़िया, 2 पॉइंट बहुत बढ़िया। और ये रितिका ने ये कुश्ती जीत करके जीत ली है। देखो जूनियर नेशनल मेडलिस्ट वाली लड़की को हराया, जोरदार तालियां रितिका के लिए। ये दंगल है, कुश्ती है, कब कौन ताल वाले पता नहीं चलता। ये रितिका जो पहलवान है ब्लू कॉस्ट्यूम की, ये लड़की जुगियाल से है और अखाड़ा चक माधो सिंह रांझू पहलवान के अखाड़े की लड़की है। सूफिया आज बेटा रेड कॉस्ट्यूम और साथ में मुस्कान अमृतसर। अगली कुश्ती हेलो श्री हरियाणा हेलो सुहाना दौड़ा से हमारे प्रशासनिक अधिकारी SHO श्री कुलदीप शर्मा जी, उनको उनको भी हमारी कमेटी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बहुत बढ़िया जी, 4 पॉइंट का दौड़ गया मुस्कान अमृतसर ने और ये कुश्ती वाई फाल मुस्कान ने जीत ली है। सुखिया बेटा आपने अपने प्राइज मनी लेके जाना है, पहले रेफरी साहब के पास जाए। बहुत बढ़िया कुश्ती, खुशी हरियाणा आगे बेटा। और इनके साथ शिवानी गुरदासपुर हमारे थाना इंदौरा से मोनिका एडिशनल श्री शिवानेश कुमार जी को भी हमारी कमेटी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कोनिका अगली कुश्ती है रेड कॉस्ट्यूम पहनो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली कार्रवाई के लिए संतोष शास्त्री जी हमारे मंच का संचालन करेंगे। संतोष शास्त्री जी बहुत बढ़िया, ये देखो कितना दम कर रहे बच्चों से। ऊपर अगली कुश्ती कोनिका फतेहपुर विशाखा पठानकोट, ये तैयार हैं दोनों बच्चे। जो बच्चा हार जाता है वो अपने पैसे जरूर लेके जाए साथ साथ में, राउंड के पैसे साथ साथ में लेंगे। कोशिश आ रही देखो खुद के दाम में 2 पॉइंट दे चुकी होती है। 4-0 का स्कोर। ओपन बेटा 2-2 मिनट का राउंड हो रहा है, ये काइंडली आप स्टॉप एंड गो नहीं है।
फर्स्ट आउट ओवर 4-0 का स्कोर इन फेवर ऑफ शिवानी गुरदासपुर। और ये बच्चे आपको पता है मैम, आपके कोई भी पिन वगैरह बालों में नहीं होनी चाहिए, काइंडली जरूर उसको उतार के आए। आप सभी पहलवान हैं, बहुत बड़ी आप कुश्तियां लड़ते हैं, तो काइंडली आप लोगों ने उस हिसाब से तैयार होकर पहले आना है। ये अब तो 65 केजी है सागर पठानिया जी, 65 किलो वाले बच्चे आए हैं। बाहर 2 पॉइंट। राणा जी पॉइंट 6-0, रेड 6 नहीं ब्लू, ब्लू 6 और रेड 0। दूसरे राउंड का 1 मिनट बचा है। ओपन बच्चों, हाँ मैं भूल रहा था, कोनिका और विशाखा अगली कुश्ती के लिए तैयार रहे हैं। 2 पॉइंट और शिवानी गुरदासपुर। रानी साहब चिंता ना करें, पूरे ऑफिशियल बैठे हुए हैं। और ये समय समाप्त, और कोई इस कुश्ती में विजेता रहे हैं ब्लू के स्टेम में शिवानी फ्रॉम गुरदासपुर, कोनिका कोनिका फतेहपुर आ जाओ बेटा, और विशाखा पठानकोट। विशाखा बेटा आपके पास, चलो ठीक है, विशाखा रेड का सिंह, विशाखा को ब्लू करवा दो, ब्लू को सिंह रेड कर दो, रेड इसकी रेड कर दो, कर लेंगे को सब कर ले, रेड है ना उसके पास नहीं है रेड। ये जो विशाखा पहलवान है, ये दीपू पहलवान पठानकोट वाले उनकी बेटी है और मेडलिस्ट है। और इस तरफ कोनिका लड़की, ये फतेहपुर स्कूल से है और इस बार स्टेट में इसने प्रतिनिधित्व किया था। 2 पॉइंट रेड कॉस्ट्यूम के बच्चे के, 2 पॉइंट रेड कॉस्ट्यूम, 2 और 4-0 से जी आगे चल रही है। और ये कुश्ती बहुत बढ़िया चित करके ये कुश्ती जीत गई है विशाखा पठानकोट। सीमा जलंधर, नेहा पठानकोट, अपनी अपनी जगह पे चले। हाँ बेटा पैसे लेके जाना, आपने वहां जाना है। कोनिका सीमा आ जाओ बेटा, सीमा जलंधर जो पहलवान कुश्ती हारते जाते हैं साथ ही साथ अपने पैसे लेते जाए। पहलवान बच्ची कनिका, कोनिका जाओ बेटा ऊपर। नेहा पठानकोट, सीमा ब्रियाना अकेडमी जलंधर, हाथ खड़े करें, रेड कॉस्ट्यूम नेहा पठानकोट। ये जो सीमा लड़की आपके सामने खड़ी है, सीनियर नेशनल में इस लड़की का सिल्वर मेडल है, अंडर 23 नेशनल में इस लड़की ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और अंडर 20 में भी इसका ब्रॉन्ज है। जोरदार ताली इस बच्ची के लिए, बहुत ही बढ़िया मेडलिस्ट होती है। और इसके साथ है नेहा पठानकोट से। दो पॉइंट और ये भारंदाज के दो और
बहुत बढ़िया कुश्ती सीमा जलंधर, सीमा बरियाना अकेडमी जिसे हम जगजीत अकेडमी जलंधर भी कहते हैं, एसपी जगजीत सिंह जी चला रहे हैं। अमनप्रीत, हाँ जी, जलंधर ऋषि का पठानकोट, अमन नया जलंधर, आगे बेटा ऋषि का पठानकोट, बेटा अपने अपने कॉर्नर से अंदर आए। हाँ जी, अगली कुश्तियों के लिए लड़कियां बिल्कुल तैयार हैं। दो पॉइंट, दो पॉइंट और छह आठ हो गए। हाँ जी, और ये मैच ओवर। रेड कॉस्ट्यूम में अमनप्रीत जलंधर ने ये टेक्निकल सुपीरियरिटी, अगर 10 का डिफरेंस हो जाए पहलवानों के स्कोर में, 10 जीरो का कहीं भी 10 का फर्क हो जाए तो टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर वो पहलवान को विजेता घोषित किया जाता है। समनप्रीत जलंधर, और इनके साथ है मीनाक्षी पठानकोट। बेटा आपका नाम क्या है? नेहा अमृतसर, आगे बेटा समनप्रीत, ओके, और मीनाक्षी पठानकोट। जैसे जैसे राउंड आगे चलते जाएंगे बढ़िया खुशियां देखने को मिलेंगी सभी को। अमरप्रीत हरियाणा, कृति पठानकोट, ये अगली कुश्ती के लिए तैयार रहे। बहुत बढ़िया दाव लगाया बच्ची ने, दो पॉइंट, दो दो पॉइंट। ये क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे डेंजर पोजीशन में, डेंजर पोजीशन में रखी हुई है, बहुत बढ़िया। रेड कॉस्ट्यूम द्वारा दा पेच डेंजर की स्थिति में, ये समनप्रीत कौर जो लड़की है अभी रेड कॉस्ट्यूम में, इस लड़की का भी जूनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। ये लड़की भी वरियाना अकेडमी जलंधर से है। ओपन, बहुत बढ़िया, चार पॉइंट। और ये कुश्ती, हाँ, समनप्रीत कौर, देखो जूनियर नेशनल मेडलिस्ट है ये लड़की, बहुत बढ़िया कुश्ती इसने जीती है। अमनप्रीत हरियाणा और साथ में कृति पठान, आ जाओ बच्चों अगली कुश्ती के लिए। चंदन पाली गुरदासपुर, हरप्रीत कौर जलंधर, बहुत बढ़िया, दो रेड कॉस्ट्यूम द्वारा दो पॉइंट, दो और अंदर, चार जीरो से, चार जीरो से ये मुकाबला चलता हुआ। साबका विधायक श्रीमती रीता तिमान जी, साबका विधायक इंदौरा, जहां विशेष तौर पर पहुंचे हैं, कमेटी की तरफ से इनका भी हार्दिक स्वागत है।
और ये टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर ये कुश्ती खत्म। विनर अमनप्रीत कौर हरियाणा। चंदन पाली गुरदासपुर। हरप्रीत कौर जलंधर। भाई अगली कुश्ती राणा साहब कुश्ती अनाउंस करें। अगली करती है आ जाओ बेटा चंदन पाली आगे बेटा और साथ में हरप्रीत कौर। हरप्रीत कौर जलंधर। निवेदन रहेगा चंदन पाली गुरदासपुर। सुरजन जी शुरुआत मैडम जी से करवाएं। बहुत बहुत स्वागत। बहुत प्रेम है इनका खेलों के साथ और स्पेशली लड़कियों के दंगल के लिए आज इन्होंने यहां आने का न्योता स्वीकार किया है। इसके लिए जोरदार तालियां। हेलो सबका विधायिका आदरणीय श्रीमती रीता धीमान जी का शिज मेले के इस पंडाल में राणा साहब अगली कुश्ती भी अनाउंस करें। हाथ जोड़ी करवाएंगे पंडाल में इसी में रुक के सभी पदाधिकारियों। सुरजन जी इन्हें साइड में करें एक मिनट। अगली कुश्ती के लिए पहलवान बुलाएं। सिया नूरपुर तानिया अमृतसर। हेलो आ जाओ बच्चों अंदर। सिया और तानिया अंदर आ जाए बेटे दोनों। राणा जी ये कुश्ती जो अभी अनाउंस की है इस कुश्ती की शुरुआत इनके हाथ जोड़ी करवाएंगे ब्लॉक के चेयरमैन श्री सहदेव ठाकुर जी। इस कुश्ती की हाथ जोड़ी करवाएंगे। सुरजन जी उस तरफ करवाएं। अच्छा ठीक है आगे। हाँ इस तरफ से लाइव उस तरफ है ना। हाँ जी सांचे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप दोनों बाहर चले। सिया फिर सिंह मेला कमेटी के सभी पदाधिकारियों की ओर से चंद्र का विधायिका श्रीमती रीता धीमान जी का ब्लॉक चेयरमैन सहदेव ठाकुर हरप्रीत कौर घनश्याम सिंह ठाकुर जी का रणजीत सिंह जी और उनके साथ आए हुए अन्य गणमान्य व्यक्तियों का कोटि कोटि आभार। कोटि कोटि धन्यवाद स्वागत अभिनंदन। मैडम जी से निवेदन है कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साबका विधायिका आदरणीय श्रीमती रीता धीमान जी। सुरजन जी जब रेस्ट चाहिए होगी तो बताना आपने जरूर। हाँ जी हमारे पास एक और बहुत यंग एंड एनर्जेटिक हमारे देखिए स्टूडेंट सुरजन भी हमारे पास खेला हुआ और ये लड़का अमित मोहित ये भी हमारे पास ही खेला हुआ है। बच्चे आगे बढ़े इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। दो पॉइंट चंदन पाली गुरदासपुर से। ये लड़की भी जूनियर नेशनल में पार्टिसिपेट करके आई है और इसके साथ हरप्रीत कौर जलंधर से। जैसे जैसे कुश्तियां आगे चलती जाएंगी वैसे वैसे थोड़ा रोमांच भी बढ़ता जाएगा। हम दोबारा इसी राउंड में जाएंगे इसका सेकंड राउंड। 50 किलो वाले जो बच्चे हैं जो चारों जीते हुए बच्चे हैं अंकिता सोलन शहनाज पठानकोट अमन पठानकोट और रितिका पठानकोट ये चारों तैयार रहे। चारों तैयार रहे ये बच्चे। समय समाप्त। दो और दो का स्कोर है।
और लास्ट का स्कोर है हरप्रीत कौर। इस कुश्ती के बाद जो चादर थोड़ी खिंचवाएंगे, गैप तो नहीं, गैप है नहीं, ठीक है पठानी जी, ठीक है गैप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक, चंदन पाली आ जाओ बेटा, और हरप्रीत कौर, दो दो का स्कोर है। बहुत बढ़िया, दो और देखिए, बहुत बढ़िया लड़की है ये हरप्रीत कौर। सिया और तानिया अगली कुश्ती के लिए रेडी रहिए बेटा, सिया और तानिया। नहीं नहीं नहीं, ऊपर बेटा ऊपर, बिसल हो चुकी पहले, कोई उल्टा सीधा दाव ना लगाए। और इस कुश्ती में विजेता रही है हरप्रीत कौर, ब्लू कस्टम फ्रॉम जलंधर। अगली कुश्ती सिया नूरपुर तानिया अमृतसर, कोसा रेस्ट लेंगे एक, ओके। एक और बची है इसी राउंड की, तो एक और निकाल लें। बहुत बढ़िया कुश्ती सिया और तानिया के बीच, अभी किसी भी बच्चे का कोई स्कोर नहीं हुआ, क्योंकि जब तक पूरी तरह से फ्री नहीं होते हैं तो स्कोर नहीं होता है। बाजू का ध्यान रखना, सूरजन को साहब दोनों हाथों से गुट पकड़ा हुआ है, जरूर ध्यान रखना इसका। दो पॉइंट, दो और मेरे ख्याल में कुश्ती हो गई है। तानिया फ्रॉम अमृतसर इन ब्लू कॉस्ट्यूम, तानिया जी कुश्ती जीत गई है। सिया बेटा आपने वहां हमारे आदरणीय प्रधान श्री हंसराज जी बैठे हुए हैं, इनके पास जाना है आपने। सिया हेलो राणा जी, हाँ जी एक मिनट के लिए क्षमा चाहूंगा, हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि साबका विधायिका आदरणीय श्रीमती रीता धान जी को छिंज मेला कमेटी की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। छिंज मेला कमेटी के प्रधान ठाकर धर्म सिंह जी, आदरणीय श्री हंसराज शर्मा जी और बाकी पदाधिकारी, इन सब से मेरा निवेदन रहेगा कृपया पे मंच पे आकर इस कार्यक्रम की विशेष अतिथि श्रीमती रीता धान को सम्मानित करें। आदरणीय हंसराज शर्मा जी, सुनैना सुनैना पठानकोट शर्मा जी, उनतीति उनतीति सुनेहा
2930 सुनैना पठानकोट स्नेहा गुरदासपुर स्नेहा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की सिल्वर मेडलिस्ट है ये लड़की बहुत बढ़िया अपने बेटे में स्नेहा हाथ खड़ा करें बेटा स्नेहा ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें अपनी वेट कैटेगरी में ये लड़की सिल्वर मेडलिस्ट है और इनके साथ है सुनैना पठानकोट शुरू करें बच्चों कुश्ती ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो लड़की ब्लू कांस्टेबली जो दापे सिलगारी है इसको भारत दास कहते हैं और लगातार लगातार ये दो दो पॉइंट अर्जित करके 10-0 की लीड बनाई है। हेलो स्वागत जी चेंज ऑफिशियल आज के ऑफिशियलिंग के लिए शादी थी आदरणीय श्रीमती रीता जहान जी को छिंदा कमेटी के पदाधिकारी सम्मानित करते हुए ठाकुर जम सिंह जी आदरणीय श्री हंसराज जी मिंटू शर्मा जी अंकिता और सहनाज इसके बाद ब्लॉक चेयरमैन ठाकुर सहदेव जी को छिंज मेला कमेटी सम्मानित करेगी 50 kg का जो सेकंड राउंड सहदेव ठाकुर जी ब्लॉक चेयरमैन उनको भी कमेटी की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। आदरणीय श्रीमान ठाकुर घनश्याम सिंह जी चुर्ब से भी मेरा निवेदन है कृपया वे भी आए छिंज मेला कमेटी आपको भी ये मान सम्मान देना चाहती है। आदरणीय श्री घनश्याम सिंह जी एक बार फिर आदरणीय मैडम श्रीमान हरदीप जी को भी हमारी छिंज मेला कमेटी के पदाधिकारी सम्मानित कर रहे हैं। अरुण शर्मा जी उनसे भी निवेदन है कृपया वो भी आगे आए छिंज मेले समारोह में इनका भी भव्य स्वागत है बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार फिर मैं आदरणीय मैडम जी का जो कि आज इस कार्यक्रम की विशेष अतिथि है मैडम जी का ब्लॉक चेयरमैन ठाकुर हरदेव सिंह जी का आदरणीय श्री घनश्याम सिंह जी का अरुण शर्मा जी का हरदीप सिंह जी का बहुत बढ़िया अंकिता के द्वारा बहुत बढ़िया दाव लगाया गया है जहां इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कोटि कोटि आभार। अमन और रितिका ये बेटा दोनों तैयार रहे हैं और जीरो का स्कोर है इन फेवर ऑफ अंकिता सोलन। चले Thank you.
ओवर वन बाय टेक्निकल स्पीरियरिटी अंकिता फ्रॉम सोलन 10-0 शहनाज ये सेकंड राउंड है शहनाज बेटा आप उधर जाए साहब ने अमन पठानकोट और रितिका पठानकोट आ जाए दोनों बच्चियां अमन और रितिका और इसके बाद 65 किलो भार वर्ग की सारी बच्चियां तैयार हो जाए जिनको बाई मिली थी वो भी और जो जीती है वो भी शुरू करें मनप्रीत कौर जलंधर और इनके साथ मुस्कान अमृतसर शिवानी गुरदासपुर विशाखा पठानकोट इसको कहते हैं फिफ्थ प्लेयर विनर इन ब्लू कॉस्ट्यूम रितिका फ्रॉम पठानकोट बेटा आप हाँ चले मनप्रीत कौर जलंधर और इनके साथ मुस्कान अमृतसर जो दूसरे राउंड की कुश्ती है मनप्रीत कौर हाथ खड़ा करें ऊपर थोड़ा सा सीधा ऊपर हाँ जी दर्शकों को पता लगना चाहिए ये लड़की जूनियर एशिया में इसने भारत का प्रतिनिधित्व किया था जोरदार तालियां इंटरनेशनल प्लेयर हमारे बीच में सीनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में इसका ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है और इनके साथ हैं मुस्कान अमृतसर से टाइम दो दो मिनट का राउंड ही चलेगा हो गया जी को साहब विनर मनप्रीत कौर जलंधर जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए जी देखें जो अनुभव का फायदा तो हमेशा होता ही होता है अगली कुश्ती के लिए खुशी हरियाणा नहीं सॉरी शिवानी गुरदासपुर और इनके साथ विशाखा 65 किलो का ये दूसरा राउंड है जी है ये अब कुछ ही पलों में हमारे भारत के बड़े पहलवान कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट एशियन मेडलिस्ट एशिया चैंपियनशिप के मेडलिस्ट और अर्जुन अवार्डी श्रीमती दिव्य काकरान कुछ ही पलों में आपके पास पहुंचने वाले हैं बहुत बढ़िया दाव इस बच्चे का को सब पॉइंट हाँ अमित जी गेट पर आइए भारत के मशहूर महिला रेसलर दिव्या काकरान एक बार जोरदार तालियां अर्जुन अवार्डी दिव्या काकरान जी जिन्होंने कॉमनवेल्थ में मेडल लिया है एशियन चैंपियनशिप में मेडल लिया है एशिया चैंपियनशिप में मेडल लिया है और अर्जुन अवार्डी हैं आज मंधौली के इस दंगल में पहुंचे हैं जहां पहुंचने पर इनका बहुत स्वागत है छिंज कमेटी मंधौली की तरफ से एक बार जोरदार तालियां हो जाएं एक चक्कर अगर इधर मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय श्रीमती दिव्या काकरण जी से कि एक चक्कर जरूर लगाएं अखाड़े के बीच में दर्शकों का अभिवादन
और स्वीकार करें। आपका बहुत बहुत स्वागत। टाइम ओवर। इसी के साथ हाँ जी कोसा अंदर नहीं बाहर से प्लीज आ जाए जे हैं हमारे भारत के मशहूर महिला रेसलर दिव्या काकरण जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी के तहत मेरा निवेदन रहेगा रानी फ्रॉम सोलन, रानी महिला रेसलर हिमाचल सोलन से, वो भी हमारे बीच में विराजमान है। कृपया खड़े के बीच में आए और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करें। आए रानी जी, आप आए, आप भी जोरदार तालियां। हिमाचल पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत, हिमाचल की शान। और पिछले साल गंगत में जो ऑल्टो कार की बड़ी झंडी हुई थी तो रानी पहलवान ने वो ऑल्टो कार गुरशनप्रीत कौर जलंधर जी को हराकर जीती थी। जोरदार तालियां इस पहलवान के लिए। रानी जी एक दूर एक चक्कर लगा के दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करें और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करें। आपका भी स्वागत है चीन कमेटी मधोली की तरफ से। आ जाए बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। विशाखा पठानकोट। बहुत बढ़िया। दोनों बच्चों की बहुत बढ़िया कुश्ती हो रही है। और अगली कुश्ती के लिए सीमा जलंधर और खुशी अमृतसर, ये बच्चे भी तैयार रहे। क्या बात है। देखिए दो दो मिनट में ओपन। और ये बॉट विशाखा ब्लू कस्टूम में 7-2 का स्कोर। विनर विशाखा इन ब्लू कस्टूम। ये दूसरा राउंड है पठानिया साहब, ये ध्यान जरूर रखें। अगली बॉट के लिए ने सर सीमा जलंधर खुशी अमृतसर और उसके बाद अमनप्रीत जलंधर और साथ में ईशा ईशा सोलन, ये भी तैयार रहे। अच्छा कोई बात नहीं, पट्टी है उधर। खुशी अमृतसर हाथ खड़ा करें और नेहा नेहा पठानकोट
सॉरी सीमा जलंधर ओके खुशी सीमा के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सीनियर नेशनल में यह लड़की सिल्वर मेडलिस्ट है बहुत बढ़िया लड़की और दूसरा राउंड है ये इसके बाद अमनप्रीत जलंधर ईशा सोलन ये भी दोनों अपने अपने बहुत बढ़िया ये हाँ जी हाँ जी रेड कॉस्ट्यूम के हैं जी लाल कॉस्ट्यूम वाले पहलवान के पॉइंट हैं विनर इन रेड कॉस्ट्यूम सीमा फ्रॉम जलंधर विनर बाई टेक्निकल सुपीरियरिटी अगली कुश्ती के लिए अमनप्रीत कौर जलंधर और ईशा सोलन शुरू करें राणा जी अगली कुश्ती हाँ जी इसके बाद अगली कुश्ती के लिए नेहा अमृतसर ने उससे पहले अमनप्रीत कौर और ईशा की कुश्ती चली हुई है उसके बाद नेहा अमृतसर और साथ में समनप्रीत कौर जलंधर और उसके बाद अमनप्रीत कौर हरियाणा गोसा पैसिविटी शो करें पॉइंट नहीं है पैसिविटी शो पॉइंट बाहर गया था बाहर गया ठीक है ओके ओके बाहर गया ओके ओके एक पॉइंट हाँ एक और जीरो का स्कोर है ओनली वन कोचिज कृपया ध्यान दें राणा कितने कितने पॉइंट है एक और जीरो नेहा अमृतसर समनप्रीत कौर जलंधर ये भी रेडी रहे दोनों
ईशा जी नालागढ़ से है लड़की, हिमाचल प्रदेश से, और बहुत बढ़िया कुश्ती लड़ती है। पिछले साल भी इसने नेशनल में पार्टिसिपेशन किया था। को सब अपना सुनो, बाहर तो बोलेंगे, आप बाहर वालों को ध्यान ना दे, आप अपना करें। पैसिविटी शो करनी पड़ेगी को साहब। हाँ, अब ब्लू पैसिव, ब्लू कस्टम वाले पहलवान को 30 सेकंड में पॉइंट लेना पड़ेगा, 30 सेकंड में। हाँ जी, दो वार्निंग के बाद। ओपन, भाई एक 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 सपोर्टर बोलो, एक एक कोच बोलो, दोनों का एक एक सपोर्टर आगे आ जाओ मैट के कॉर्नर पे। विनर इन रेड कॉस्ट्यूम, स्कोर 2-1 इन फेवर ऑफ अमनप्रीत कौर जलंधर, रेड कॉस्ट्यूम विनर, रेड कॉस्ट्यूम विनर है जी। दूसरा राउंड है जी ये। नेहा अमृतसर आ जाओ, और साथ में समनप्रीत कौर जलंधर। कॉस्ट्यूम क्या ध्यान रखना, नेहा कौन है, नेहा जी, नेहा रेड कॉस्ट्यूम।
बहुत तेज तूफान आने के कारण अभी मैच को रोकना पड़ रहा है। मौसम खराब होने की वजह से भी मैच को थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया है।
दो और एक का स्कोर, रेड दो ब्लू कसुम का एक, हाफ टाइम है। ओपन वेट कैटेगरी है उसके जो पहलवान ये मेरा जरूर सुन ले, अगली कुश्ती है, कुश्ती के बाद इनकी होनी है। निशा हरियाणा आस्था अमृतसर, निशा हरियाणा आस्था अमृतसर, रेनु पठानकोट राधा सोलन, राजवीर अमृतसर आंचल जलंधर, शिवानी नूरपुर पूनम हरियाणा। ये तैयार हो जाए बच्चे सारे जल्दी। अरे क्या बात है, विनर इन ब्लू कॉस्ट्यूम बाय फाल। स्नेहा, स्नेहा गुरदासपुर आ जाओ बेटा, स्नेहा गुरदासपुर और प्रेरणा मेहता। बेटा हाथ खड़ा करें, ये मात्र 15 साल इस लड़की की उम्र है, सोलन से ये लड़की है और इस लड़की का नेशनल में बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, रैंकिंग टूर्नामेंट में इसका ब्रॉन्ज मेडल है, फेडरेशन कप जो होता है उसमें इस लड़की ने गोल्ड मेडल जीता है और खेलो इंडिया में भी इस लड़की की तीसरी पोजीशन है। इसके आदरणीय पिताजी महोदय महेंद्र जी मेहता यहां बैठे हुए हैं, ये भी डीपी की पोस्ट पे कार्यरत है और बच्ची को लेकर लगातार जहां भी दंगल होते हैं जहां टूर्नामेंट्स होते हैं वहां जरूर पहुंचते हैं। जोरदार तालियां प्रेरणा के लिए और इनके फादर साहब को भी। शुरू करें बड़े बच्चों कुश्ती, बहुत बढ़िया, ये क्या बात है। और ये कुश्ती जरूर ध्यान दें आपकी तरफ। ओके सर, ये जो आपने कुश्ती देखी है ये प्रेरणा, ये लड़की बहुत बढ़िया, ये लड़की बहुत बढ़िया लड़की है, इसका रैंकिंग में भी मेडल है जो रैंकिंग सीरीज होती है। रेड जो ब्लू कॉस्ट्यूम में जो लड़की थी प्रेरणा, इसका रैंकिंग सीरीज में भी मेडल है, नेशनल में भी मेडल है। पठानिया जी इसी भार वर्ग में तीसरा राउंड शुरू कर रहे हैं। ओके 65 किलो वाला, ठीक है। मनप्रीत कौर जलंधर और इनके साथ विशाखा पठानकोट, बहुत बढ़िया कुश्ती होगी, बढ़िया कुश्तियां जीती है दोनों लड़कियों ने, अगली कुश्ती भी इन दोनों बच्चियों की बहुत बढ़िया होगी। मनप्रीत जी यहां से नहीं, पीछे से जाए, वापिस वापिस जाए और अपने एरिया से आए, निकलो पीछे वापिस जाओ, पहले आप बड़े पहलवान हैं, इंटरनेशनल पहलवान हैं, आपको तो पता है। और अगली कुश्ती सीमा जलंधर और अमनप्रीत, ये भी जलंधर से, समनप्रीत जलंधर और हरप्रीत कौर, तानिया अमृतसर और प्रेरणा सोलन। हाँ जी, और जैसे ही जो मैंने कुश्तियां अनाउंस की ये खत्म हो जाती है, इसके बाद बड़ी कुश्तियां शुरू की जाएंगी। मैं अनाउंस कर चुका हूं, एक बार फिर से अनाउंस कर देता हूं, बहुत बढ़िया, दो और जी दो और चार का स्कोर भारंदाज, बहुत बढ़िया। देखो अनुभव का फायदा उठा रही है और दूसरी तरफ एक नौजवान लड़की है। 4-0 राणा जी, 4-0। हाँ जी, हाँ जी, रेड 4 ब्लू 0।
अनुभवदार नौजवान पहलवान का मुकाबला हो रहा है। बहुत बढ़िया ये यहाँ और ये कुश्ती हो गई है सर। कुश्ती बाय फॉल विनर मनप्रीत कौर जलंधर बाय फॉल। ये थर्ड राउंड है पठानिया साहब, तीसरा राउंड चला हुआ है। सीमा जलंधर और इसके साथ अमनप्रीत जलंधर। सीमा भी इंटरनेशनल पहलवान है, अनुभवी है और इनके साथ है अमनप्रीत। जैसे ये चार कुश्तियां खत्म होंगी मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय कोच साहब श्री सुरजन सिंह सुरजन सिंह से निवेदन रहेगा कि ये आएंगे मैच रेफरी के रूप में। दो बहुत बढ़िया दो का और स्कोर। सीमा जी जैसा आपका नाम है वैसे कुश्ती भी दिखाएं। राणा जी अगली कुश्ती आज अनाउंस कर चुका हूं जी। पहले समनप्रीत जलंधर और 24 हरप्रीत कौर जलंधर। चार और जीरो फोर जीरो अगली कुश्ती समनप्रीत कौर जलंधर और हरप्रीत कौर ये भी जलंधर से और तानी अमृतसर प्रेरणा सोलन। इसके बाद बड़ी कुश्तियां निशा हरियाणा आस्था अमृतसर रेनू पठानकोट राधा सोलन रानी सॉरी राजवीर अमृतसर आंचल जलंधर शिवानी नूरपुर कोटपलाड़ी शिवानी कोटपलाड़ी और पूनम हरियाणा। आ जाओ अगली कुश्ती के लिए समनप्रीत कौर हाथ खड़ा करें साथ में हरप्रीत कौर। और उसके बाद तानी अमृतसर प्रेरणा सोलन। बड़े वाले सारे के सारे पहलवान तैयार हो जाए प्लस 65 वाले जो ओपन वेट कैटेगरी है वो सारे तैयार हो जाए। चार
हो गया कुश्ती जी। विनर रेड कस्ट्यूम बाई फाल। आ जाए अगली कुश्ती के लिए तानिया अमृतसर और प्रेरणा सोलन। चेंज इन ऑफिशियल सुरजन सिंह। शुरू करें। बहुत बढ़िया, देखें अनुभव काम करता है और बच्ची बहुत बढ़िया कुश्ती लड़ती है। क्या बात है जी, वाह। और बाईफाल प्रेरणा मेहता ने जो कुश्ती जीत ली है, बहुत जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए, बहुत बढ़िया। अगली कुश्ती बड़े वेट कैटेगरी की, निशा, निशा हरियाणा इन रेड कॉस्ट्यूम और इनके साथ आस्था पहलवान अमृतसर से। निशा हरियाणा, आस्था अमृतसर, रेनो पठानकोट, राधा सोलन, राजवीर अमृतसर, आंचल जलंधर, शिवानी कोटपलाड़ी और पूनम हरियाणा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये क्या बात है, हाँ दो पॉइंट। और देखें जरा, और देखे बावे किस्मत या क्या बोलते हैं, रिद्धि खीलते बनिया धड़िया। बहुत बढ़िया दाव लगाया था चार पॉइंट का, परंतु दूसरे ही काउंटर में वो चितोगे। विनर आस्था इन ब्लू कॉस्ट्यूम, रेनु पठानकोट। राधा सोलन। ये भी हिमाचल की शान है, नेशनल मेडलिस्ट राधा पहलवान। राणा जी फर्स्ट राउंड, ये फर्स्ट राउंड है, बड़ा पहला राउंड है। विनर राधा प्रहम सोलन, राजवीर अमृतसर, राजवीर अमृतसर, आंचल जलंधर। आ जाए, बढ़िया खुशी होगी ये भी। और शिवानी कोटपलाड़ी और पूनम हरियाणा। यहां गद्दा उड़ गया, जा पठानी साहब था एक बैठ, वो कहां गया? वो आगे आ गया। मेरा निवेदन रहेगा, यहां अगर वॉलंटियर्स हैं तो पानी की व्यवस्था की जाए थोड़ी सी। बढ़िया कुश्ती राजवीर और आंचल के बीच में।
बहुत बढ़िया बोंगड़ी जी बोंगड़ी हमारे लोकल पहलवानों का दाव है जी ये आंचल जलंधर ने बोंगड़ी दाव लगा के ये कुश्ती बाई फाल जीत ली है। शिवानी कोटपलाड़ी ये लड़की भी ग्रैपलिंग में नेशनल मेडलिस्ट है और इनके साथ पूनम पहलवान हरियाणा पूनम हरियाणा ये जो अभी ओपन के जो जीत के गए हैं निश आस्था और राधा ये भी वापिस आ जाएंगे दोबारा आपकी कुश्ती होगी अभी सेकंड राउंड की और आंचल आपने भी तैयार रहना है रेडी रहना आपने भी और ये मैं कुश्ती विनर इन ब्लू कॉस्ट्यूम पूनम ब्रह्म हरियाणा ये फर्स्ट राउंड है शिवानी उधर इधर इस तरफ जाओ रेड कॉस्ट्यूम हमारे पीछे आ जाए हाँ जी आस्था आस्था बेटा आओ अंदर आस्था अमृतसर राधा सोलन आजय जी आस्था अमृतसर राधा सोलन ओपन बहुत बढ़िया दो और ये दो और पॉइंट और ये नहीं जी हमारे रेफरी साहब बिल्कुल मुस्तैद हैं पॉइंट होने पे ही पॉइंट दिए जाएंगे आठ और जीरो आंचल और पूनम तैयार हैं ये दोनों ये सेकंड राउंड है इसके बाद दो दो सेमीफाइनल है और तीन फाइनल चार और तीन सात कुश्तियां शेष बची हैं हो गया जी विनर राधा फ्रॉम सोलन बाई टेक्निकल स्पेशलिटी जोरदार तालियां राधा के लिए आंचल जलंधर आजा बेटा बहुत बढ़िया कुश्ती जीती थी इस लड़की ने पिछले वाली कुश्ती बोंगड़ी दौड़ लगा के और पूनम पहलवान हरियाणा ये भी अपने पेट की बहुत बढ़िया पहलवान है पैंसठ किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल मनप्रीत कौर जलंधर और इनके साथ कुश्ती करेंगे सीमा जलंधर और दूसरी कुश्ती हरप्रीत कौर जलंधर और प्रेरणा मेहता सोलन नालागढ़
चोट ना लगे, चोट ना लगे जरूरी इसका ध्यान रखना। और विनर हैं पूनम फ्रॉम हरियाणा। अब बड़ी कुश्ती का दो सेमीफाइनल है। मेरा निवेदन रहेगा जो हमारे बड़े पहलवान हैं आदरणीय श्रीमती दिव्या काकरण जी और रानी पहलवान सोलन, पहला सेमीफाइनल होगा दिव्या काकरण और साथ में राधा सोलन, दूसरा रानी पहलवान सोलन और पूनम हरियाणा के बीच में। पैंसठ किलो के जो तो मैंने सेमीफाइनल अनाउंस किए थे वो बच्चे आ जाएं, मनप्रीत कौर जलंधर और इनके साथ सीमा, आई थिंक नो, हाँ सीमा जलंधर, दोनों ने इंटरनेशनल प्लेयर, दोनों मेडलिस्ट हैं। देखते हैं कि अनुभव जीतता है या तजर्बा इसमें विजय होता है या फिर मनप्रीत। सीमा हाँ जी सूर्जीत जी शुरू करो। सीमा और मनप्रीत कोसा बोलिए कुछ, अब आप बोल नहीं रहे हैं। देखें यहां बहुत सारे जानकार बैठे हुए हैं कुश्ती के, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें पहलवान जी। मैं मेरा इशारा किस तरफ है आप समझ गए होंगे। हरप्रीत कौर जलंधर प्रेरणा, हरप्रीत कौर और साथ में हरप्रीत बेटा आपका फर्स्ट नाम आ रहा है कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम तो चेंज करो, बहुत बढ़िया। देखें दो पॉइंट क्योंकि बॉडी के तीन पार्ट नीचे लग चुके थे। दो और
और स्कोर 10-0 इन फेवर ऑफ प्रेरणा फ्रॉम सोलन। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई महेंद्र जी प्रेरणा के फाइनल में पहुंचने पर। एक मिनट बिठानी जी, आना मेरे पास। आ जाइए अगली कुश्ती के लिए, बड़ी कुश्ती है। दिव्या काकरण पहलवान, बोलो आप, बोल दो। स्वागत है अर्जुन अवार्डी पहलवान दिव्या काकरण जी का कुश्ती के मैट पर, जोरदार तालियां जी। और इनके साथ राधा फ्रॉम सोलन। बहुत बहुत बधाई कमेटी को कि आज इस दंगल में अंतरराष्ट्रीय पहलवान और वो भी अर्जुन अवार्डी पहलवान। मैं पूरी मधोली कमेटी को बधाई देना चाहता हूं। बिल्कुल राणा जी, एक तरफ रेड कास्ट्यूम में दिव्या काकरण अर्जुन अवार्डी और दूसरी तरफ राधा। शुरू करेंगे क्या बात है जी, हो गई जी। देखिए जी, जोड़ बेजोड़ कर दिया, दो कुर्सियां राधा ने इतनी बढ़िया जीती और अगली कुश्ती दिव्या ने बेजोड़ करके जीत ली। जोरदार तालियां जी। रानी, रानी फ्रॉम सोलन और पूनम हरियाणा। राधा उस तरफ, यहां आगे बैठे हुए, यहां उनके पास। जोरदार तालियां जी, इस कुश्ती बहुत बढ़िया कुश्ती होगी। हाँ जी, इधर भी रेड कॉस्ट्यूम में रानी फ्रॉम सोलन, फ्रॉम सोलन हिमाचल प्रदेश की ये पहलवान है और हिमाचल पुलिस में इंस्पेक्टर है। हाँ जी, और ये इंटरनेशनल लड़की है। और दूसरी तरफ पूनम हरियाणा से है, ये भी बहुत बढ़िया लड़की है। ब्लू को पैसिविटी शो हुई है।
क्या बात है। सुने पूनम, पूनम सुनो, आए क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। देखो चार पॉइंट का दौर लगा, ओपन इसके बाद तीनों वेट जो कैटेगरी उनके फाइनल होंगे। 50 किलो टाइम ओवर, 50 किलो में अंकिता सोलन, रितिका पठानकोट, 65 केजी में मनप्रीत कौर जलंधर और इनके साथ प्रेरणा मेहता सोलन, और लास्ट अभी चला हुआ है। मेरा निवेदन रहेगा सागर सिंह पठानिया जी, जो तीन फाइनल है उसके लिए जी जी हाँ बिल्कुल जरूर ये काम आप कर लें। बहुत बढ़िया, अरे वाह, कुश्ती समाप्त। रानी फ्रॉम सोलन ये फाइनल में पहुंच गई है और अब फाइनल का मुकाबला होगा इनका दिव्या काकरण पहलवान जी से। मैं पठानिया साहब कुछ किया हो गया अंकिता और इनके साथ रितिका पठानकोट, बेटा भी बाहर ही रुके, हाँ रेडी रहे बाहर ही रुके, हाँ पचास केजी का फाइनल राणा जी, राणा जी 50 केजी का फाइनल। हाँ जी हाँ जी फाइनल है ये जे, आज के इस दंगल की लड़कियों की जो कुश्तियां चल रही हैं 50 केजी का जे फाइनल राउंड अब होगा, इसके लिए पूर्व विधायक श्रीमती रीता दिमान जी और उनके साथ चेयरमैन साहब श्री सहदेव ठाकुर जी अखाड़े के बीच में लेकर आएंगे कमेटी सदस्य इन्हें और इस कुश्ती का शुभ आरंभ कराएंगे 50 केजी के ये कुश्तियों का फाइनल मैच। कमेटी सदस्य इन्हें मैट पर लेकर आए, हाँ जी अगली का भी करवा दे जी साथ। हेलो
चेयरमैन जी। एक एक फोटो हम भी ले लें, सारे मैच करवा दिए, हमारी तो फोटो नहीं आई कोई भी। अमित भाई ठहर जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफिशियल की फोटो नहीं लिया आपने उस तरफ, ले लो जी। आज के इस दंगल के 50 केजी की फाइनल कुश्ती है, रितिका और दूसरी का नाम, दूसरी है जी रितिका और साथ में अंकिता सोलन, रेड कास्ट्यूम में अंकिता सोलन और ब्लू कास्ट्यूम में रितिका पठानकोट। तीन तीन मिनट के राउंड होंगे जी, तीन तीन मिनट के राउंड, ठीक है जी। को सब ये कोचेज भी नोट कर लें। चलें जी, को साहब शुरू करें। क्या बात है, ये रितिका और साथ में अंकिता, दोनों बच्चियों ने बढ़िया कुश्तियां जीती हैं इससे पहले। रितिका मेरे ख्याल में स्टीफन जी की लड़की है, हाँ जी, हाँ स्टीफन को साहब की लड़की है। इनकी एक बढ़िया लड़की एक और है, वो कहीं मेरे ख्याल में बाहर प्रैक्टिस करती है आजकल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओपन, ओपन बच्चों, दो और दो का स्कोर है। मैं एक बार फिर से साथ में सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सामने ये जो मोटरसाइकिल खड़ा है, आप लोग भी, ये मोटरसाइकिल आप लोगों का भी हो सकता है। कमेटी ने ये प्राइज रखा हुआ है 500 रुपए मात्र, इस मोटरसाइकिल की पर्ची कटवाने के बाद ये मोटरसाइकिल आपका हो सकता है। अगर ये मोटरसाइकिल आपका नहीं होता है तो वो 500 रुपया तो आपकी नेक कमाई से बाबा जी के दरबार में जरूर आप हाजिरी लगा रहे हैं। तो इस मोटरसाइकिल को जरूर अपने नाम करें। यहां कमेटी मेंबर्स हैं, इनके पास पर्चियां हैं, आप अपने 500 रुपए की पर्ची इनके पास कटवा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बढ़िया कुश्ती दोनों बच्चियों के बीच में। हेलो, बहुत बढ़िया, चार और दो कसको,
कौशव टाइम नरदेव जी टाइम हेलो हाँ जी कौन जीतिया हेलो इस 50 केजी में विनर ही है रितिका रितिका पठानकोट पठानकोट विनर आ जाओ रितिका भी आ जाओ अंकिता आप भी आ जाओ रुक जाओ हेलो अगली कुश्ती के लिए प्रेरणा मेहता और मनप्रीत कौर जलंधर सुरजन जी रुकिए जरा हेलो हेलो
हेलो हेलो 65 किलो की ये फाइनल कुश्ती के लिए श्री पुनीत महाजन जी राजा का तालाब से और उनके साथ श्री राजेश जी रक्कड़ से 65 केजी की कुश्ती की जो फाइनल कुश्ती है इसकी शुरुआत करवाएंगे श्री राजेश जी, राजेश ठाकुर जी और श्री पुनीत महाजन जी। श्री पुनीत महाजन जी कमेटी सदस्य ने साथ लेकर आए। हेलो कमेटी सदस्य मेरा निवेदन रहेगा राजा तालाब चीज कमेटी के जो बाकी यहां पदाधिकारी हैं वो भी साथ आ जाएं। राजा का तालाब चीज कमेटी के बाकी सदस्य जो यहां प्रेजेंट है वो भी महाजन जी का साथ दें। श्री पवन राणा जी वो भी मैट के पर आए। बहुत बढ़िया कुश्ती होगी। प्रेरणा मेहता सोलन और मनप्रीत कौर जलंधर। मनप्रीत इंटरनेशनल खिलाड़ी है और प्रेरणा नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। मात्र 15 साल इस लड़की की उम्र है और इसके पिताजी आदरणीय श्री महेंद्र सिंह मेहता जी इसके साथ हमेशा रहते हैं। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बोलो पीर बाबा जी महाराज की। पीर बाबा जी महाराज की। ओके जी शुरू करें कुश्ती। बढ़िया कुश्ती होगी ये दोनों बच्चियों के बीच में। अनुभव और यंग जनरेशन का ये कुश्ती हो रही है। प्रेरणा बहुत बढ़िया है और मनप्रीत का तो कोई जवाब ही नहीं है। आज देखते हैं कि अनुभव जीता है या फिर 2 पॉइंट। मनप्रीत जलंधर ओपन। दो और जीरो का स्कोर है। बढ़िया कुश्ती हो रही है दोनों बच्चियों के बीच में। आय हाय क्या बात है तेरे के बात है। बहुत बढ़िया जी देखें इतनी कम उम्र में लड़की के द्वारा बहुत बढ़िया जो कुश्ती की जा रही है। कुश्ती का फैसला जो भी रहे हार जीत जिस मर्जी की हो परंतु कुश्ती बहुत बढ़िया हो रही है। 4-2 का स्कोर। चार और दो। बहुत बढ़िया
या क्या बात है, दो और स्कोर 4-4। सोलन को साहब, हाँ जी नहीं है चैलेंज, ठीक है ओके, चेक करवाएं जरा, इधर आए को साहब। नौ आपने किया है, एक पॉइंट आपके अगेंस्ट जाएगा। नहीं नहीं आपने अंदर फेंका और आपके अगेंस्ट पॉइंट जाएगा, अब ये नहीं है। हाँ जी दिखाएं, बोट रोकी है मैंने यहां से, उन्होंने जैसे अंदर, प्लीज सुने मेरी, जब ये अंदर आ गया इट मीन ऑब्जेक्शन है, उनका ऑब्जेक्शन है, कोश साहब का ऑब्जेक्शन। हाँ जी कोश साहब, आपने कुश्ती रोकी हुई है जी, कोश साहब दिखाएं आप, एक मिनट आ जाइए। उन्होंने होगी बात, ठीक है ये इनका ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया और एक पॉइंट प्रेरणा के फेवर में जाता है, 5-4 का स्कोर। नहीं जैसा रूल है वैसे तो करेंगे, ओके। हेलो हाँ जी एक मिनट मैडम जी, कोश साहब तुसी भी आ जाओ, जिन्होंने ऑब्जेक्शन है प्लीज आ जाओ, कोई गल नहीं आप सबको सेटिस्फाई करेंगे। हेलो सुने ओके, ठीक है ठीक है, चलो सुने सुने आम लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, ठीक है। जो हमें पता है कि रूल ये है कि रेसलर मना कर सकता है, परंतु कोच साहब ने क्लियर बोला था, फिर भी हम अगर ऐसा ही है, मैडम बोल के गई कि हिमाचल का और पंजाब का है तो पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, दो दो जो 4-4 स्कोर है वही रहेगा, पार्शियलिटी वाली बात मैडम जी ऐसे नहीं करनी।
हम किसी से पार्शियल नहीं करते, ये तो गलत बात है कि जब हारना शुरू हो जाए तो पार्शियल की बात आ जाती है। पहले क्यों नहीं बोला आपने पार्शियल, हारने के टाइम ही क्यों बोल रहे हैं जब पॉइंट आपके अगेंस्ट चले जाते हैं। ठीक है, दो चार और चार का स्कोर। फर्स्ट हाफ ओवर चार और चार। देखे हम लोग यहां किसी की पार्शियलिटी के लिए नहीं बैठे हुए हैं, ना तो हमने हिमाचल की पार्शियलिटी करनी है ना पंजाब से कुछ लेना है। ठीक है जी, ये बात ना बोली जाए अगर कोचिज के द्वारा तो ठीक रहती है। अगर आप जीतते जाते हैं तो आप कोचिज रेफरी अच्छे, अगर कोई आपका अगेंस्ट चला जाता तो वो रेफरी पार्शियलिटी वाले हो गए। शुरू करें जी, बहुत बढ़िया, जो मर्जी फैसला हो कुश्ती का, जीत हार जिस मर्जी के हो, बढ़िया कुश्ती हो रही है। जोरदार तालियां जी, चार और चार का बराबर स्कोर है। एक 15 साल की लड़की इतनी बढ़िया कुश्ती लड़ रही है। नहीं चल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां जी, बढ़िया कुश्ती हो रही है दोनों बच्चों के बीच में। भाई एक बार जोरदार तालियां इस कुश्ती के लिए, बहुत बढ़िया कुश्ती हो रही है। काइंडली अगर आपको रूल पता है तो एक ही कोच बोलेगा, बाकी क्यों बोल रहे हैं, वो खड़े हैं ना उनको बोलने दो। युवराज जी आप तो समझ जा रहे हैं, तब तो आप हमें समझा रहे हैं, आशु जी आप भी हमें समझा रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट भी पॉइंट दे दिया जा सकता है। तो एक एक कोच अंदर आ जाए, अंदर कॉर्नर पे बैठ के सपोर्ट करें। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बोलो पीर बाबा जी महाराज की, क्या बात है, बहुत बढ़िया, दोनों भी बच्चों के बीच में बढ़िया कुश्ती। दो मिनट बीत गए हैं रफी साहब, वाह क्या बात है, कोई पॉइंट नहीं, किसी का कोई पॉइंट नहीं है, बढ़िया कुश्ती। ऐसी कुश्तियां देखें हमारे यहां इस क्षेत्र में, ऐसी कुश्तियां कभी देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत बढ़िया लड़ रहे हैं दोनों, क्या बात, बहुत बढ़िया, क्यों है, अरे दो पॉइंट, छह और चार का स्कोर, स्कोर छह और चार, मात्र 15 सेकंड इस कुश्ती के बचे हैं, 15 सेकंड मात्र इस कुश्ती के, और एक बहुत बढ़िया कुश्ती दोनों बच्चों के बीच में हो रही है। राणा साहब पॉइंट, छह और चार, छह चार, छह चार, हाँ जी, आज ये टाइम ओवर, डिनर टाइम ओवर हो गया भाई जी, रिएक्ट कर रहे हैं, टाइम ओवर, और जोरदार तालियां कुश्ती के लिए, विनर इन ब्लू कॉस्ट्यूम प्रेरणा मेहता फ्रॉम हिमाचल। भाई बहुत बढ़िया कुश्ती, बहुत बढ़िया कुश्ती, बहुत बढ़िया कुश्ती हुई है, दोनों बेटियों ने बहुत बढ़िया कुश्ती लड़ी है, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, मनप्रीत भी बहुत बढ़िया कुश्ती लड़ी है,
हर साल ये गंगत में अपना वेट कैटेगरी जीतती है। बहुत बहुत बधाई आपको भी और प्रेरणा मेहता और महेंद्र जी को भी बहुत बहुत बधाई। आज के इस दंगल की अंतिम कुश्ती के लिए अर्जुन अवार्डी विनर दिव्या काकरण और इनके साथ रानी फ्रॉम हिमाचल। इस कुश्ती को आशीर्वाद देने के लिए छिंज मेला कमेटी मंधोली, छिंज मेला कमेटी मंधोली के सारे सदस्य वो मैट पर आए। प्रधान जी, छिंज मेला कमेटी के सदस्य छिंज मेला कमेटी मंधोली सारी कमेटी इस कुश्ती को शुरुआत करवाने में यहां खड़ी है। जोरदार तालियां। एक चाय बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ हिमाचल और दूसरी तरफ यूपी। हां जी ठीक है, शुरू करो। आज के दंगल की फाइनल कुश्ती, आज के इस दंगल की फाइनल कुश्ती साइड में हो जाइए, कुश्ती देखने दे। बहुत बढ़िया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वरियाना अकेडमी जलंधर के कोच जहां स्टेज के पास पहुंचे हैं।
से जो कोच आए हैं वो स्टेज के पास पहुंचे।
प्रधान जी नीचे आइए। प्रधान जी नीचे
हाँ जी अपने परे करा दो थोड़े थोड़े सारे पिछले से करा दो दिव्या काकरा इनामी राशि के साथ कमेटी द्वारा एक कुछ के साथ इन्हें सम्मानित करेंगे। Yeah.